हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इडू फाइल आज के इस वीडियो में हम लोग क्लैब्स गॉर्डन एंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहां पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में एग्जांपल के साथ में समझने वाले हैं सबसे पहले जानते हैं सीजी जी या फिर क्लेब्स गॉर्डन एंड कोफिशियन होता क्या है क्लेब्स गॉर्डन एंड का मतलब होता है नंबर्स जो कि हमें एंगुलर मोमेंटम कपलिंग में मिलता है जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम एंगुलर मोमेंटम कपलिंग करते हैं कपलिंग का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब हम एंगुलर मोमेंटम का एडिशन करते हैं तभी हमें क्लब्स गॉर्डन कोफिशियंट मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स में अब ये कैसे मिलता है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी एक बेसिस में एंगुलर मोमेंटम का एडिशन कर रहे हैं और किसी दूसरे बेसिस में भी कर रहे हैं तो आप इस बेसिस से इस बेसिस में जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इनके ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कोफिशियंट हमें मिलता है उन्हीं कोफिशियंट को हम क्लेप्स गॉर्डन एंड कोफिशियंट कहते हैं जब एक बेसिस से एंगुलर मोमेंटम से दूसरे बेसिस में हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो वहां पर हमें क्या मिलता है कोफिशियंट जिसको हम क्या कहते हैं सीजी कोफिशियंट या क्लेप्स गॉर्डन कोफिशियंट मैं आपको ये शो करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ में सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये आता कैसे है तो यहां पे मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा यहाँ पे एटम आप जानते हैं एटम में न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता है इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कुछ इसका स्पिन भी होता है इलेक्ट्रॉन का जिसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम जे कहते हैं जे हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है या फिर सिर्फ एंगुलर मोमेंटम भी हम कह सकते हैं जे को तो जे हमारा क्या है एंगुलर मोमेंटम ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम ले रहे हैं अब हम दो लेंगे क्योंकि हमें एडिशन करना है ना तो एक जे से काम नहीं चलने वाला हमें दो लेना पड़ेगा तो चलिए ले, ले लेते हैं दो दो जे को तो यहां पे हम लोग दो एंगुलर मोमेंटम लेंगे जे और जे टू और जे हम दो एंगुलर मोमेंटम लेंगे जो कि डिफरेंट सब स्पेस वन और टू से बिलोंग करते हैं मतलब अलग अलग एटम मान लेते हैं कोई तो ये हमने मान लिया है अब यहां पे कंपोनेंट होंगे J1 और J2 के जो कि सेटिस्फाई करेंगे कम्यूटेशन रिलेशन को एंगुलर मोमेंटम के एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन आप लोग जानते होंगे कम्यूटेटर वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं इसके कंपोनेंट क्या होंगे देखिए J1 एक एंगुलर मोमेंटम है J2 इसके कंपोनेंट J1 के कंपोनेंट आप जानते हैं X Y Z में होता है ब्रेक तो जे वन एक्स जे वन वाई जे वन जे वन जे वन जे हो जाएगा J2 का क्या हो जाएगा जे टू एक्स जे टू वाई हो जाएगा सिंपल तरीके से अब कम्यूटेशन रिलेशन हम लोग जानते हैं कि जे वन कॉमा जे जे वन इस तरीके से हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है आई कट जे

अब यहां पे J1 और J2 जो है वो अलग अलग स्पेसेस से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके जो कंपोनेंट होंगे वो कम्यूट करेंगे कम्यूट का मतलब क्या होता है ये तो कम्यूटेशन रिलेशन है कम्यूट का मतलब क्या होता है कि जब दोनों के कम्यूटेशन क्या हो जीरो के बराबर हो दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन किसके बराबर आ जाए जीरो के तो हम क्या कहते हैं कि वो कम्यूट कर गए तो कम्यूट तभी करेंगे जब वो डिफरेंट स्पेसिस से बिलोंग करेंगे तो जे वन और जे टू हमारे डिफरेंट स्पेसिस से हैं तो हम जे वन जे कॉमा जे, जे टू के इज इक्वल टू जीरो होगा यहां पे जे और के जो है हमारे इंडेक्स है जे के जगह पे आप एक्स वाई जेड ले लीजिए और के के जहां पे भी आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं जब यहां पे जे के जगह पे एक्स ले रहे हैं तो के के जगह पे वाई लीजिएगा जब जे के जगह पे आप वाई ले रहे हैं तो के के जगह पे जेड लीजिएगा मतलब ऐसे ही आप करते जाइए तो ये भी आपने

हम स्मॉल एल को ऑर्बिटल कहते हैं तो जे हमारा है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ये क्वांटम नंबर है अब इसका एक फार्मूला होता है जिससे जे आपको निकालना है कैपिटल जे तो उसका फार्मूला होता है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जे इज इक्वल टू क्या होता है एच कट अंडर रूट जे जे प्लस वन ये फार्मूला हम लोग जानते हैं अगर आप स्टेट भी लिखना चाहते हैं तो जे किस स्टेट में है जे कॉमा एम स्टेट में होता है जे कॉमा एम स्टेट यहाँ पे एच कट जे जे प्लस वन यहाँ पे स्टेट आप जे कॉमा एम ऐसे लिख लीजिए तो इस तरीके से हम लोग ये फार्मूला जानते हैं तो जे स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहां पे रूट हट जाएगा जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा जे एम यहाँ पे जे जेड जेड जे, जे कंपोनेंट का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं जे जेड जेड कंपोनेंट का फार्मूला होता है एम एच क्रॉस अब ये एम क्या चीज है ये तो हम जानते हैं कि जे भाई जे का यहां पे जे की वजह से जे आता है ये तो हम जानते हैं एम क्या चीज है देखिए जे हम लोग जानते हैं कि हमारा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है तो जैसे आप जे की वैल्यू वन बाई टू लेते हैं फॉर एग्जाम्पल तो एम की वैल्यू आप क्या लेंगे एम की वैल्यू आप लेंगे माइनस वन बाई टू एंड

बाई वन एम वन यहाँ पे जो आइगन स्टेट जे एम हमने लिखा है जे के लिए तो वन स्क्वायर uh, और वन जेड के लिए क्या हो जाएगा वन एम वन हो जाएगा यहाँ पे जे वन एम वन आप लिख सकते हैं और जे टू स्क्वायर जे टू जेड का जे टू एम टू लिख सकते हैं तो हम लिख देते हैं वैसे फॉर्मूले में तो जेवन स्क्वायर जेवन एम हम लिखेंगे इज इक्वल टू जे वन जेवन प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर एम ये हमारा इक्वेशन वन हो गया है जेवन जेड अगर लिखेंगे यानी दो हमारा है ना एंगुलर मोमेंटम जेवन और जे टू तो जेवन के जेड कंपोनेंट हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से अब J2 का आप लिखिए तो जे के लिए अब यहां पे जो हमारा बेसिस होगा जे टू एम टू हो जाएगा जे टू जे टू प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर जे टू एम टू बस फॉर्मूला लिख रहे हैं कुछ इसमें नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जे टू जेड क्या हो जाएगा जे टू एम टू इज इक्वल तो टू एम टू एच क्रॉस जे टू एम टू हमारा फोर हो गया तो ये चार इक्वेशन आई होप आपको समझ में होगा अब यहाँ पे जो जेवन स्क्वायर जेवन जेड जे टू स्क्वायर जे टू जेड जेट है ये आपस में कम्यूट करते हैं एक दूसरे से कम्यूट करते हैं एक दूसरे से मतलब कि अगर आप इसको निकालेंगे सॉल्व करके तो आपका जीरो के इक्वल आएगा जीरो के इक्वल जैसे मान फॉर एग्जाम्पल जे जे स्क्वायर जेवन, जेवन स्क्वायर का जेवन जेड के साथ ऐसे निकालते हैं इस तरीके से जेवन स्क्वायर का जे वन जेड के साथ तो ये जीरो के इक्वल आएगा ये आएगा क्या ये होता है क्योंकि कम्यूट करता है तो इस तरीके से कम्यूट करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये साइमल्टेनियस आइगनकेट होंगे इनके जो आइगनकेट जो ये जेवन है मोन जेवन ये आपने लिखा है साइमल्टेनियस आइगनकेट होंगे अगर ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो इनके जो आइगनकेट होंगे वो क्या होंगे साइमल्टेनियस इसका मतलब क्या होता है यहां पे देखिए इसका मतलब ये होता है कि आप इनके आइगन स्टेट को कैसे लिख सकते हैं कंबाइन करके लिख सकते हैं जेवन एम एन जेवन एम एन जे टू एम टू जे टू एम टू कम्बाइन करके हम क्या लिखेंगे जेवन जे टू एम ओन एम टू बस यही इसका मतलब है सिंपल सा मतलब है अगर कम्यूट कर रहे हैं तो हम आइगन स्टेट को साथ में लिख सकते हैं वी कैन राइट द एज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेवन एमन एंड जे टू एम टू या कि इसको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट जेवन एम एन जे टू एम टू के रूप में ऐसे लिख सकते हैं तो जेवन जे टू एम ओन एम टू हमारा क्या है डायरेक्ट प्रोडक्ट है जेवन एम ओन जे टू एम टू का इस तरीके से समझे आप न दी दस री राइट वन टू फोर एस तो वन से फोर को हम कैसे लिख सकते हैं अब ये चीज आप देखिए यहां पे वन से फोर को यानी कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं जेवन एम वन के जगह पे हम पूरा स्टेट को लिख सकते हैं ऐसे तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं ये तो हमारा J1 स्क्वायर क्या हो जाएगा J1 J2 M1 M2 बस यही आपका क्या है जो आपका आइगनकेट है वो चेंज हो गया है बाकी फार्मूला सेम टू सेम रहेगा फार्मूला टू सेम टू सेम रहेगा आइगनकेट हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है इसको हम इक्वेशन सिक्स सेवन एट नाइन मान लेते हैं यहाँ पे ये वन से फोर है ये सिक्स सेवन एट नाइन तो ये भी आप यहां पे नोट कर सकते हैं बस अब हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो यहां पे दो एंगुलर मोमेंटम होता है जे वन और जे टू तो उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हम लेंगे तो उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा स्मॉल जे वन स्मॉल जे टू तो उनकी वैल्यू हम वन बाय टू वन बाई टू मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए तो एम वन क्या हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ आपको पता है एम टू प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा ठीक है

जैसे जे इज इक्वल टू आप वन लिखते हैं तो एम इज इक्वल टू इसके अंदर होता है वैल्यू वन जीरो माइनस वन वन है तो वन जीरो माइनस वन अगर मान लेते हैं जे इज इक्वल टू टू है तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू ये आपको पता है ऑलरेडी ये चीजें ये बेसिक चीजें हैं तो जे इज इक्वल टू वन एम इज इक्वल टू यहाँ पे जे इक्वल टू वन के कॉरस्पॉन्डिंग हम केंगे एम इज इक्व टू वन जीरो माइनस वन यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हमारा जे के इक्वल होता है ठीक है इसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे तीन वैल्यूज आ रहे हैं तो ट्रिपलेट स्टेट हो गया जे इज इक्वल टू जीरो हमारा एम इज इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ पे देखिए चार नंबर है एक दो तीन चार चार नंबर है तो एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो एक्स्ट्रा है वो जे इज इक्ल टू जीरो के करस्पॉन्डिंगल टू जीरो तो ये हमारा सिंगलेट स्टेट होगा इतनी चीजें आपको समझ में आई है अब स्टेट कैसे लिखा जाता है यही मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप जे वन जे टू एम वन एम टू लिखते हैं ये चीजें कैसे आती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई वेव फंक्शन साई है जो कि जे वन जे टू एम वन एम टू में डिफाइन है इस तरीके से तो यहां पे आप देखिए जे वन जे टू हमारा क्या है हाफ और हाफ ठीक ये हाफ और हाफ हो गया अब एम वन क्या है एम वन हम हाफ ले सकते हैं और एम टू की वैल्यू हाफ ले सकते हैं ठीक है ये एक कॉम्बिनेशन हो गया ये एक कॉम्बिनेशन जे वन जे टू तो फिक्स है हाफ हाफ लेकिन एम वन एम टू यहाँ पे फिक्स नहीं है तो एक बार हाफ ले रहे हैं एक बार हाफ ले रहे हैं फिर दूसरी वैल्यू देखिए इसी की दूसरी वैल्यू साई फिर जे वन जे टू कितना है हाफ हाफ हमने ले लिया फिर एम एम वन एम टू की वैल्यू यहाँ पे एम वन एम टू है ठीक है तो एम वन की वैल्यू हाफ ले रहे हैं और एम टू की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे M2 की वैल्यू माइनस हाफ ले रहे हैं ठीक है? तो और, तो है? हाँ और इस बार एम टू की वैल्यू प्लस हाफ ले रहे हैं फिर उसके बाद में साई यहाँ पे हम हाफ हाफ जेवन जे टू ले रहे हैं आपको पता है फिर एम वन एम टू क्या है हमारा एम वन हम माइनस माइनस आप ले रहे हैं एम टू भी माइनस आप ले रहे हैं तो देखिए चार कॉम्बिनेशन बना और यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया था कि चार तो टोटल हैं चार स्टेट बनेंगे चार स्टेट बनेंगे यानी सिंगलेट और ट्रिपलेट यहाँ पे ये देखिए ट्रिपलेट और सिंगलेट ये मैंने बताया था चार हो गए तो इस तरीके से चार आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा ये एक इस तरीके से हमने जे वन जे टू एम वन एम अब आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे की क्या चीज़ें हैं अब हम लोग एक और स्टेट मान ले रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया था कि दो स्टे दो, दो लेने होते हैं आपको बेसिस और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है और ट्रांसफॉर्मेशन से जो कोफिशियंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं सी जी कोफिशियंट तो एक तो हम ले चुके हैं साई के रूप में साई के रूप में हम ले चुके हैं जे वन जे टू एम वन एम टू एक और ले, ले लेते हैं दूसरे बेसिस में फाई फाई ले लेते हैं और इसका हम बेसिस चेंज कर देंगे जे वन जे टू जे एम

क्यों ले रहे हैं ये क्वेश्चन आपका उठना चाहिए बिकॉज हम लोग जानते हैं कि यहां पे जेवन जो है वो जेवन स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग है J2 J2 स्क्वायर के जे जो है जे स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग है एम जो है हमारा JZ के करस्पॉन्डिंग होता है क्योंकि JZ क्या होता है एम एच क्रॉस होता है ठीक है तो ये तो ये भी क्या करते हैं कम्यूट करते हैं एक दूसरे से एक दूसरे से कम्यूट करते हैं इसीलिए हमने ये लिया है कम्यूट कर रहे हैं तभी लिया है ठीक है वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे हमने कम्यूटेशन रिलेशन लिखा हुआ है जे स्क्वायर जेवन स्क्वायर जीरो जे स्क्वायर जे टू स्क्वायर जीरो कम्यूट कर रहे हैं मतलब जीरो जे स्क्वायर जे जेड जेवन जेवन स्क्वायर जे जेड यहाँ पे जेवन स्क्वायर जे जेड जे टू स्क्वायर जे जेड इस तरीके से हमने लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्या कर रहे हैं कम्यूट कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये स्टेट ले सकते हैं ठीक अब इनका स्टेट जब ले लिया है तो फार्मूला भी लिख देते हैं भाई तो फार्मूला हमारा जे वन स्क्वायर जे वन जे टू जे एम ठीक है जे वन जे टू जे एम क्या होता है जे वन जे वन प्लस एच स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ये फिर जे टू स्क्वायर का भी सेम हो जाएगा यहाँ पे केवल जे टू जे टू ए प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा ये इलेवन हो गया इक्वेशन अब जे स्क्वायर का क्या होगा जे स्क्वायर का हो जाएगा जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर ये भी फार्मूला हो जाएगा ठीक है ये इक्वेशन ट्वेल्व हो गया फिर उसके बाद हमारा जे जेड का क्या हो जाएगा जे जेड का होता है एम एच क्रॉस तो एम एच क्रॉस हो जाएगा ठीक तो ये सारे फार्मूले हमने लिख दिए हैं किसी दूसरे स्टेट के लिए फाइव के लिए जिसके हम जो केट हम ले रहे हैं जे वन जे टू जे एम ये हम ले रहे हैं आइगन केट ठीक है तो ये सारी चीजें आप समझिए अब इनका स्टेट भी लिखना पड़ेगा तो इनका स्टेट हम कैसे लिखेंगे यही एग्जाम्पल देख के लिखेंगे फाइव जे वन जे टू जे एम तो यही एग्जाम्पल्स हम लोग देख के लिखते हैं तो पहला हम लिखेंगे फाइव जे वन की वैल्यू कितनी हाफ है जे टू की वैल्यू कितनी है हाफ है ठीक है जे वन जे टू हमने हाफ ऑफ लिख दिया जे की वैल्यू कितनी आती है आपकी वन आती है कितनी आती है वन एक वैल्यू तो वन आ रही है ना वन लिख देते हैं हम एक जीरो आएगी एक वन आएगी तो वन को हम पहले लिखते हैं और एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वन जीरो माइनस वन है तो पहले हम वन को लिखते हैं ठीक है सारी वैल्यू उसको लिखनी रहती है तो ये एक स्टेट आपको समझ में आया जे वन जे टू हाफ ऑफ और जे की वैल्यू वन ठीक है यहां पे जे की वैल्यू लिखी है एम की वैल्यू वन ठीक समझिए ध्यान से फिर उसके बाद दूसरे स्टेट को लिखते हैं तो फाई जे वन जे टू यहाँ पे हाफ हाफ जे वन जे टू हाफ ऑफ फिर उसके बाद जे की वैल्यू वन फिर उसके बाद एम की वैल्यू वन आप ले चुके हैं तो आप क्या लीजिए जीरो लीजिए तो ये भी हमने लिख दिया है अब एक और स्टेट लिखते हैं फाई हाफ हाफ जे वन जे टू हाफ हाफ जे की वैल्यू कितनी है भाई जे की वैल्यू वन ही लेंगे अभी क्योंकि एक स्टेट हमारे यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस वन को हमने यहाँ लिख दिया तो ये हमारा ट्रिपलेट वाला कंप्लीट होता है एक और हम फाइव हम लिखेंगे एक स्टेट के लिए और तो फाइव यहाँ पे जेवन जे टू हाफ ऑफ हो जाएगा तो जे की वैल्यू जीरो होती है यहाँ पे और एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी सिंगलेट स्टेट के लिए तो ये चार स्टेट हमने लिख दिए हैं फाई के लिए ठीक कुछ जैसे हमने साई के लिए चार स्टेट लिखे थे वैसे हमने फाई के लिए चार स्टेट लिख दिए हैं यहाँ पे बेसिस हमारा अलग है यहाँ पे बेसिस हमारा अलग है अब इनमें से इनमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और जो कोफिशियंट आएगा उसी को सी जी कोफिशियंट यानी क्लब्स गार्डन कोफिशियंट कहेंगे तो इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए इनको इन्हीं में ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है तो अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं देखिए उन्हीं को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन बेसिस जब हम बेसिस के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे सी जी कोफिशियंट कहेंगे तो हमारा बेसिस क्या था जे वन जे टू जे एम ये हमने लिया हुआ था एक और एक क्या लिया था जेवन जे टू एम वन एम टू ये आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं एक बार जे जी वन जे टू एम वन एम टू जे वन जे टू जे एम ठीक है जेवन जे टू एम वन एम टू जे वन जे टू जे एम ये दोनों आप देख लीजिए ध्यान से अब यहां पे देखिए जे वन जे टू जे एम जेवन जे टू जे एम और जेवन जे टू एम एम टू ठीक है अब यहाँ पे हमने फाई के सारी वैल्यूज लिख दी है की क्या क्या थी भाई यहां से भी आप देख सकते सकते हैं हैं एक बार मैच कर ये हाफ, 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 हमने सारी वैल्यूज लिख दी है ठीक उसी तरीके से साई के भी हमने सारी स्टेट को ऐसे लिख दिया है आप यहां से भी मैच कर सकते हैं ये यहां से देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज लिख दी है हाफ 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 माइनस हाफ 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 माइनस हाफ 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 माइनस हाफ माइनस हाफ ठीक है अब इनमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो कि हमारा होगा अब यहाँ पे आप देखिए अगर फाइव वाले टर्म को देखिए तो जे वन जे टू जे एम यहाँ पे जेवन जे टू हाफ 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 जे वन जे टू की वैल्यू हर जगह सेम है तो हम इतने बड़े टर्म को लिखने के जगह पे केवल हम जे कॉमा एम लिखेंगे क्योंकि जे कॉमा एम ही चेंज हो रहा है जेवन जे, जे टू नहीं चेंज हो रहा है तो हम जे कामा एम भी लिख सकते हैं इतने बड़े की जगह पर केवल ये वाले टर्म को क्योंकि जे वन जे टू सेम है चलो ठीक है ये बाद में देखेंगे पहले हम क्या करते हैं देखते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू वन है एम की वैल्यू वन है एम की वैल्यू वन कब आती है आप बताइए एम की वैल्यू वन तब आती है जब एम वन है। और एम टू कितना हो हाफ हाफ हो अगर एम वन हाफ है और एम टू हाफ है तो एम की वैल्यू आपकी वन आ जाएगी एम वन और एम टू के कॉम्बिनेशन से ही हमारा एम की वैल्यू आती है तो वन आ जाएगी तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये फर्स्ट वाला एक दूसरे के बराबर हो गया ये एक दूसरे के बराबर हो गया ठीक है क्या और भी बाकी के टर्म एक दूसरे के बराबर हैं तो बाकी के एक दूसरे के टर्म जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है या फिर एक से ज्यादा टर्म एक दूसरे के बराबर है यानी वहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा पहले तो ये आपको समझ में आया अब देखिए इसी को हम लिखते हैं और दूसरे टर्म को सॉल्व करते हैं और कॉफिशेंट निकालते हैं पहला आपको समझ में आया कि इक्वल हो गया है अब इसी को हम लिखते हैं फाइव वन वन यहाँ पे हम केवल जे कॉमन एम लिखेंगे क्योंकि पूरी वैल्यूज नहीं लिखेंगे चेंज ही नहीं हो रहा है फाइव तो वन वन किसके बराबर आ गया साई हाफ -आफ, हाफ 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 ये इसके बराबर आ गया अब हम क्या करेंगे इसको ऑपरेट करेंगे जे माइनस से बोथ साइड में क्यों ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि जे माइनस से जब हम ऑपरेट करेंगे जे माइनस क्या होता है जे माइनस का मतलब लोअरिंग ऑपरेटर आपने लेडर ऑपरेटर पढ़ा है एक होता है रेजिंग ऑपरेटर होता है लोअरिंग तो ये लोअर कर देगा वैल्यू को यानी कि वन वन है तो वन जीरो कर देगा वन वन को क्या कर देगा वन जीरो कर देगा ठीक है तो वन जीरो वाले ही तो हमें देखना है कि वन जीरो वाला किसके बराबर होगा ये वाला वन वैल्यू किसके बराबर होगा तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर होगा वन जीरो तो इसके लिए हमें वन वन को क्या करना पड़ेगा वन जीरो बनाना पड़ेगा तो वन जीरो बनाने के लिए हम जे माइनस को ऑपरेट कर देंगे तो जे माइनस को ऑपरेट कर देते हैं चलिए भाई जे माइनस लिख दिया हमने जे माइनस यहाँ पे भी लिख दिया तो जे माइनस लिख दिया तो हमारे यहाँ रूट टू वन फाइव वन कामर जीरो आ जाएगा इधर ये आ जाएगा लेकिन ये कैसे आता है ये आपको नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ ये देखिए फार्मूला हमने यहां पे लिखा हुआ है जे माइनस जब हम ऑपरेट करते हैं जे कॉमा एम में जे कॉमा एम यहाँ पे आप वन वन समझ सकते हैं ये फार्मूला होता है एच क्रॉस जे प्लस एम जे माइनस एम प्लस वन जे एम माइनस वन ये कैसे आता है देखिए जे एम था पहले देखिए जे माइनस जब ऑपरेट किया तो पहले जे एम था फिर क्या हो गया जे एम माइनस वन जे यानी कि वन का जगह पर वन ही रहेगा और ये वन था तो यहाँ पे वन से क्या हो गया जीरो हो गया एक कम हो गया ठीक है ये तो समझ में आया होगा ये रूट टू कैसे आए इसको आप समझिए तो देखिए यहाँ पे J की वैल्यू आपकी कितनी है वन है M की वैल्यू कितनी है इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं वन है ठीक है तो H क्रॉस को H क्रॉस लिखिए और यहाँ पे J की वैल्यू वन प्लस वन कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी यहाँ पे वन माइनस वन जीरो यहाँ पे वन तो ये वन और यहाँ पे J M माइनस वन यानी कि J हमारा वन हो जाएगा और एम माइनस यानी कि जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा रूट टू क्रॉस वन कॉं कॉं 1,0 अब यहाँ पे h क्रॉस को हम लोग 1 लेते हैं नेचुरल यूनिट में इन नेचुरल यूनिट वी कंसीडर h क्रॉस इज इक्वल टू 1 बार-बार h क्रॉस नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे h क्रॉस को आप ले तो 1 ले लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा √2 1,0 अब समझ में आया यहाँ पे 5 भी है तो 5 भी आप ले लीजिएगा 5 को हम लिख देते हैं तो ये हम ऑपरेट कर रहे हैं फाइव वन वन पे तो हमारा क्या आ जाएगा रूट वन वन फाइव वन कॉमन जीरो ऑपरेट करने पे क्या आएगा तो इस पे ऑपरेट करने पे यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका जे वन जे टू एमओन अम, टू यही तो है जे वन जे टू एमोन एम टू तो यहां पे क्या हो जाता है बस एम माइनस वन हो जाता है जे वन पे कोई फर्क नहीं पड़ता एम पे माइनस वन हो जाता है एम में माइनस वन हो जाता है तो यहाँ पे M1, M2 दो वैल्यूज है तो दो बार हम करेंगे एक बार M1 पे करेंगे एक बार M2 पे करेंगे समझिए m माइनस वन है यहाँ पे एम वन एम एक बार M1 पे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ देखिए इसको वैसे लिख दीजिए ऑपरेट कर दिया है अब हमने साई हाफ हाफ माइनस हाफ कैसे हो गया माइनस हाफ ऐसे हो गया क्योंकि हम एम m... हम क्या कर रहे हैं एम माइनस वन कर रहे हैं तो हम पहले इस वाले वैल्यू पे करेंगे फिर बाद में इस वाले वैल्यू पे तो इस पे करेंगे तो वन हाफ माइनस वन यानी एम माइनस वन करना है यानी हाफ माइनस वन कितना हो जाएगा हाफ माइनस वन माइनस हाफ वन बाई टू ठीक है फिर प्लस फिर इसको आप देखिए साइव हाफ हाफ हाफ़ और इस पर अगर हाफ माइनस वन करेंगे तो माइनस हाफ हो गया तो ये समझ में आया आपको बहुत इजी है कुछ टफ नहीं है अब यहाँ पे फाइव वन कामा जीरो रूट टू को इधर भेजेंगे वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू ये आपका सेकंड आ गया है यानी फाइव वन कामा जीरो जो था ये वाला ये आपके इन दो टर्म के इन इन दोनों टर्म के कॉम्बिनेशन के बराबर आएगा अब यहाँ पे जो कॉफिशियंट आ रहा है वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू यही आपका सी जी कोफिशियंट है यही आपका क्या है क्लेप्स गॉर्डन कॉफिशियंट है लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये सिर्फ आपका वन कॉमा जीरो के लिए है इनके लिए इनके लिए क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा ना तो ये आपको समझ में आया है वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू अच्छा कोई वन कॉमर वन के लिए कॉफिशियंट पूछेगा तो क्या है यहाँ पे वन है कुछ नहीं है तो इसका मतलब कॉफिशियंट क्या है वन है समझ में आया ये भी तो इनको आप नोट करिए अच्छे से ये हमारा सी जी कॉफिशियंट होता है अब हम लोग किसके लिए करेंगे वन कॉमा जीरो हमको समझ में आ चुका है अब हमें वन माइनस वन के लिए करना है तो जीरो से माइनस वन में यानी कि लोअर करना है और तो फिर से जे माइनस हम अप्लाई करेंगे फिर से क्या करेंगे जे माइनस को अप्लाई करेंगे यानी जे माइनस से हम क्या करेंगे जीरो से माइनस वन ले आएंगे तो कर देते हैं भाई उसको भी कर देते हैं तो ऑपरेट जे माइनस ऑन बोथ साइड टू फाइव वन कामा जीरो फाइव वन कॉमा जीरो पर हम क्या करेंगे जे माइनस को ऑपरेट करेंगे तो जे माइनस फाइव वन कॉमा जीरो यहाँ पे भी इधर भी हम जे माइनस को अप्लाई करेंगे इतने बड़े से टर्म पे तो जे माइनस इसको हमने ब्रेकेट में लिख दिया ऐसे अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि रूट टू आ जाएगा यहाँ पे और फाइव वन माइनस वन आ जाएगा ये आपको पता है हमने करके भी दिखाया है अभी थोड़ी देर पहले और फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है ठीक है और इसको हम वन बाई रूट टू लिखेंगे साई हाफ हाफ माइनस हाफ और ये माइनस हाफ हो जाएगा एक बार हम एम माइनस वन इसमें से करेंगे तो इसको हम एम मान ले रहे हैं तो हाफ माइनस वन यानी माइनस हाफ और इसको हम वन बाई रूट टू लिखेंगे और एक बार वन बाई टू वन बाई टू यहाँ पे हाफ माइनस वन यानी माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू ठीक है समझ में आया रूट टू को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे रूट टू से मल्टीप्लाई टू हो जाएगा यहाँ पे टू हो जाएगा ये वन बाई टू वन बाई टू दोनों है तो वन बाई टू वन बाई टू वन हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से तो फाइव वन माइनस वन कितने के बराबर हो जाएगा जे वन और जे टू सेम है तो आप सिर्फ एम वन और एम टू को लिखिए तो ये इसके बराबर हो जाएगा ये थर्ड आपका आ गया किस कौन सा आ गया थर्ड तो थर्ड में भी सी जी कोफिशियंट आपका क्या हो जाएगा थर्ड के लिए थर्ड के लिए सी जी कोफिशियंट क्या है वन है तो ये सब सी जी कोफिशियंट हम निकाल रहे हैं आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा और समझिए अब और समझिए फोर्थ के लिए फोर्थ के लिए कैसे निकालें ये आपका थर्ड भी आ गया है वन माइनस वन वन माइनस वन से अब जीरो जीरो में आना है तो माइनस वन से जीरो में आने के लिए आपको प्लस करना होगा ना लेकिन प्लस करेंगे तो ये ये हमारे जे की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी जे माइनस से हमारी जे की वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो यहाँ पे हम लोअरिंग या रेजिंग ऑपरेटर नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम लोग ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन का कंडीशन लगाएंगे फाइव जीरो जीरो के लिए यहाँ पे इसके लिए ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन लगाएंगे तो ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन से हम वन बाई रूट टू नॉर्मलाइज कर देंगे क्योंकि दो टर्म है तो वन बाई रूट टू नॉर्मलाइज करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिमिलडि साई हाफ हाफ माइनस हाफ हाफ प्लस साई हाफ 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 माइनस हाफ इस तरीके से सिंपल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल आपको पता होगा कि अगर हम लोग डिफरेंट लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाए जीरो के बराबर सेम लेते हैं तो किसके बराबर आ जाए वन के इसी को ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन कहते हैं और यह ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को, को सेटिस्फाई करता है ये भी आप याद रखिए तो ठीक उसी तरीके से हमने लिख दिया ये चौथा है हमारा ये हमारा फोर्थ है तो यहां पे आपका सीजी कोफिशियंट कितना आया है इस वाले में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाई रूट टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन बाई रूट टू तो हमारा सीजी कोफिशियंट माइनस वन बाई रूट टू और प्लस वन बाई रूट टू ये दोनों आ गया अब इसको जल्दी से लिख देते हैं तो पहला हमारा आया फाइव वन वन साई वन बाई टू वन बाई टू क्योंकि हम आगे वाले टर्म को नहीं लिखेंगे सेम है वन बाई टू वन फाइव वन कॉमा जीरो कितना आया है हमारा फाइव वन कामा जीरो हमारा वन बाई रूट टू साई माइनस हाफ माइनस हाफ आगे वाले टर्म को नहीं लिखना है आपको पता है और प्लस यहाँ पे साई हाफ माइनस हाफ वन माइनस वन के लिए कितना आया है ये भी हमने आपको बताया यहाँ पे वन माइनस वन का ये आया है साई माइनस हाफ माइनस हाफ और इसका हमने ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन कंडीशन से लगाया है फाइव जीरो जीरो वन बाई रूट टू माइनस यहाँ पे रहेगा इसको ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे साई माइनस हाफ प्लस हाफ

सेकेंड सेकेंड रो में लिखेंगे तो इसके लिए हमारा क्या होगा जीरो होगा क्योंकि हम किसके लिए लिख रहे हैं माइनस हाफ प्लस हाफ और यहां पे क्या है वन बाई रूट टू और यहां पे भी क्या है वन बाई रूट टू बाकी टर्म नहीं है तो जीरो पहला टर्म जीरो लास्ट टर्म जीरो फिर इसके लिए भी आप देखिए ये थर्ड है तो थर्ड है हमारा तो यहां पे थर्ड में लिखेंगे जीरो 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 माइनस हाफ माइनस हाफ है तो इसीलिए चौथे नंबर पर आएगा ठीक है फिर तो उसके बाद इसके देखिए फाइव जीरो जीरो के लिए यहां पे देखिए जीरो हाफ माइनस हाफ यहाँ पे जीरो हाफ हाफ नहीं कहेंगे वन बाई रूट टू कहेंगे माइनस वन बाई रूट टू जीरो और फिर उसके बाद में हम इसको लिखेंगे इधर वाले को वन बाई टू वन बाई टू यहाँ पे माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू वन बाई टू और इसको लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस ऑफ तो ये आपको आई होप क्लियर होगा अच्छे से कि कैसे हमें लिखना है और ये हमारा जो आया है आप देख तो सकते हैं यही है हमारा क्लेप्स गॉर्डन कॉफिशन अब क्लेप्स गॉर्डन कॉफिशन यहाँ पे आप समझ गए होंगे आसानी से और लिखना क्या है यही चीज़ आपको उठा के लिख देना है और एक चीज मैं और बता देता हूँ कि क्लेप्स गॉर्डन कॉफिशन में आप क्या लिखिए कि वेन बी ट्रांसफॉर्म बिटवीन बेसिस डिफरेंट बेसिस तो जो कोफिशियंट आता है वही हमारा है सीजी कोफिशियंट या क्लेफ्ट गार्डन कोफिशियंट आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ में इस वीडियो में तरह थैंक यू